कि हम आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत बदलाव लेकर आए वो है वन बिसे आज हमने जिस गेस्ट को दावत दी है वो फाउंडर है पेस कॉलेज के बड़ा पावरफुल कॉलेज चला रहे हैं पहले मैं हमेशा उनको मल्टी सोशल मीडिया पर देखता था लेकिन लाइव आज मैं उनके साथ एक प्रोग्राम कर रहा हूँ इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेज में पढ़ाया है ट्रेनिंग की है कंसल्टेशन की है कॉर्पोरेट जर्नी बड़ी पावरफुल है फिर ये कॉर्पोरेट जर्नी कन्वर्ट कैसे हुई आंट्रप्रीनोरशिप जर्नी में इसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे सबसे पहले हम पूछेंगे अदील दरवेश आप कौन हैं और आंट्रप्रेनोरशिप की जर्नी में एक्सीडेंटली आए या फिर ऐसे ही होता है कि बस मेरा आजम था या आपकी भी कोई स्टोरी है अगर स्टोरी है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वॉट वॉज योर स्टोरी बिकॉज मैं भी नौकरी कर रहा हूँ बहुत बार ख्याल आया मैं भी बिजनेस स्टार्ट करूँ आंट्रप्रेनोरशिप की तरफ जाऊँ लेकिन जब आप जैसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने ये वाला सारा काम स्टार्ट किया लेकिन वो वाला जो अंदर से उन्हें कहते हैं ना कि तड़का नहीं आता अंदर से आवाज नहीं आती वो आपने कैसे बिल्ड की और आपने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया ओवर टू कियाजी थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन फॉर दिस पॉडकास्ट सीरीज ये कुछ कहानी है 2016 की आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ पे उनकी एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस थी उस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में हॉल में कुछ डेढ़ लोग बैठे थे डेढ़ में से ऑलमोस्ट हंड्रेड लोगों की तारीफ हुई चार लोगों की तारीफ़ नहीं हुई जिसमें से एक मैं भी था <laughs> तो जब आप कंट्रीब्यूट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में और आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है तो थोड़ा बुरा तो लगता है आ, उसी टाइम फ्रेम में जो है वो कराची में एक इवेंट जो है हम लोगों ने देखा ऑनलाइन उसका नाम था कराची स्टार्टअप वीकेंड राइट तो मैंने कहा मैं देखूँ ये स्टार्टअप वर्ड क्या है ऑन्टरप्रनरशि वर्ड क्या है तो थोड़ा सा उसको जो जान जानने की कोशिश करें उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया उस इवेंट में कुछ थ्री डे इवेंट था मैं इसी मजाक में पार्टिसिपेट किया करते करते बिज़नेस पिज दी बिजनेस पिज करते करते टॉप टेन में आ गए टॉप टेन में आने के बाद जो है वी एंडेड अप एज अ फर्स्ट रनर अप प्राइज इन दैट प्रोग्राम और वहाँ पे रियलाइजेशन हुई कि शायद कुछ बिजनेस एक्यूमेन वाली स्किल्स हैं कुछ ऑन्टरप्रनरशिप वाली स्किल्स हैं फिर भी लेकिन उसके बाद भी नौकरी शुरू हो गई hmm. लेकिन अचानक से एक दिन कॉल आती है कि जी ट्रेनिंग करवानी है और ट्रेनिंग करवानी है। तो मैंने कहा जी हाँ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवा एम एस की ट्रेनिंग थी उस टाइम पीरियड पर दो सैटरडेस को करवानी थी एक सैटरडे हो गया सेकंड सैटरडे करवानी थी उस सैटरडे में मजे की बात यह उससे पहले मुझे कहा गया कि हमें जो है सर्टिफिकेट्स चाहिए सर जबरदस्त तो मैं जिन कॉर्पोरेट कंसल्टे कर रहा था जिन कंपनीज के साथ मैंने कहा सर्टिफिकेट्स चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया हम प्रपोजल अप्रूवल के बगैर सर्टिफिकेट्स नहीं देते अब क्या कह करें मैंने क्लाइंट को कंफर्म कर दिया पीछे से कोई सर्टिफिकेट मुझे दे नहीं रहा मैंने कहा चलो ठीक है काम करते हैं जो एक फिक्टिशियस कंपनी बनाई थी उसका ही लोगो डिज़ाइन करते हैं दस दस रुपये में सर्टिफिकेट्स बनाई अनरजिस्टर्ड इन लीगल कंपनी उस टाइम पीरियड में प्रिंट करवा लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो दिन था वो अचानक ऑन्टरप्रिनरशिप जर्नी स्टार्ट हुई करते करते आज उस बात को कुछ सात साढ़े सात साल हो गए सिलसिला चलता रहा कर वहाँ आगे बढ़ता सर बहुत सारी मर्तबा हमने सुना है कि एक कामयाब मर्द के पीछे उस औरत का हाथ होता है जो कामयाब बनाना है लेकिन आ, जो फनी डायलॉग्स उसमें ये था कि आ, जो औरत है उसी मर्द पर आ सकती है ऑलरेडी कामयाब होता है लेकिन हम हम ये जानना चाहते हैं कोई तो एक बंदा आपकी इंस्परेशन बना होगा कोई ऐसी ऐसी शख्सियत आपकी इंस्परेशन बनी होगी कि अदिल दरवेश ने ये तमाम चीजें साइड करके आंटरप्रीनोरशिप की जर्नी स्टार्ट की स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट की था मजाक में था आपके अंदर वो जरासीम थे तभी तो बाहर निकले और दूसरा आप कम्यूनिटी भी ऐसे से रखते हैं वो तो निकल रही था सोज दर्सन आई एम बी वेरी फ्रेंड आई वु क्रेडिट टू माई लास्ट बॉस अदनान अजहर साहब जो मल्टीनेट के मेरे बॉस भी थे मैं वो हमेशा एक सेशन करते थे उस सेशन का नाम होता था सी ओ सेशन और वो सी ओ सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें वो कर जाते थे जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की टॉक होती थी वो नोट टैकिंग करता गया जमा होता गया वो सारा खजाना right. फिर देन वहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिली अदर देन जॉब काम करने की right. तो जब फ्रीडम आप मिलती है फिर आप सोच पढ़ जाते कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं ये, भी, ये भी, भी, भी कर सकते हैं आई वॉज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में हमेशा मुझे कहा जाता था कि इन बच्चों को बोलो नौकरी छोड़े कारोबार करें। Yes। यूनिवर्सिटी तक एम बी ए प्रोग्राम तक आते आते जब तक बहुत देर हो जाती है आई ऑलवेज अ फीलिंग दिस इज अब्जेक्ट जो आप अर्लियर ग्रेड्स में स्कूल लेवल पर स्टार्ट करना चाहिए इफ़ नॉट स्कूल देन एट अ कॉलेज लेवल कोविड आ गया कोविड में सब कुछ हुआ कोविड में एक्सीडेंट थी बस ये कॉलेज स्टार्ट हो गया पैंतालीस मिनट में डिसीशन हुआ और बस शुरू हो गया मुझे भी नहीं पता इस तला कैसे शुरू हुआ yeah. और घर पे आकर अम्मी को बताया कि जी मैं कॉलेज स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं प्रिंसिपल हूं, बड़ी नाराज हुई अम्मी कि कराची के हालात बड़े खराब है मत स्टार्ट कर। मत स्टार्ट स्टार्ट कर बट दो दिन के बाद बड़ वो बड़ी खुश भी नहीं है कि अच्छा फैसला है मैं अम्मी को कहता हूँ आपने सबसे बड़ी चीज मुझे जो तो जिंदगी में दी सिंगल पेरेंट इज दी एजुकेशन एरेंट यस और एजुकेशन तो ऑलरेडी आपने बता दी लेकिन मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं अगर मैं एक स्टार्टअप कम्युनिटी है उसका थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा हूँ लेकिन ए, मुझे प्रोग्राम मिलते रहा वो से बात करूँ मैं नहीं करता मैंने कहा जो चीज़ मेरे अंदर नहीं है या जो मैं नहीं कर रहा मैं क्यों वो प्रीच करूँ लेकिन फिर भी ना यूनिवर्सिटी ने कहा आया तुम तो एक स्टार्टअप बिजनेस के कोर्स है उसमें दो चीज़ों को देख लो जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो वहाँ पर बच्चे मेरे पास लेकर आते हैं बायो फसल्स प्रोजेक्ट्स इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ लोग कहते हैं कि सर बाहर से चीज़ इम्पोर्ट करेंगे हम फिर यहाँ पर हम चीज़ें बनाएंगे वो जो बीन बैग्स के अंदर वो नहीं होता एक प्लास्टिक के जो दाने होते हैं आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम उसको कैसे मैनुफेक्चर करेंगे चीज़ बनाएंगे ये सब चीज़ें मार्केट में है। आपने एजुकेशन को क्यों चुना एक तो ठीक है आपको वालदा की तरफ से था लेकिन और भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे ना मार्केट में और भी सर्विसेज थी ना वाई एजुकेशन ट्रेनिंग एज अ प्रोडक्ट फॉर योर एंटरप्रनोरशिप जर्नी देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसा एजुकेशन एंड हेल्थ ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप नहीं चुनते अल्लाह ताला आपको चुनते हैं नंबर वन नंबर टू ये कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स वी आर गोइंग पोलराइज सोसाइटी एक तरफ हम बात करते हैं इंटरनेशनल बोर्ड्स की बात करते हैं सी आई बोर्ड की बात करते हैं जहाँ पे हम एक बच्चे को डिफरेंट लेंस से देखते हैं वाइल ऑन दी अदर हैंड जो बच्चे हमारे लोकल बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनको हम कम्पेरेटिवली सेकेंड या थर्ड ऑप्शन के ले रहे हैं एक बात तो ये दूसरा ये हमारी सोसाइटी में बच्चों पे ग्रेड्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है Because जब ग्रेड्स पे प्रेशर है तो बच्चे को ग्रेड के अलावा दुनिया नजर नहीं आती yeah. और सिर्फ ग्रेड की दौर में वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का वाई भूल जाता है वाई आई एम स्टार्टिंग वाई आई एम लिविंग एंड आई टू मूव इन लाइफ नोइंग द वाई ऑफ द लाइफ एंड ऑब्वियसली ब्रिजिंग द गैप बिटवीं द डिफरेंट लेवल ऑफ बोर्ड लोकल एंड इंटरनेशनल आपका पेस जो है वो पेस के लिए बना है और आपका पेस बाकी जो कॉलेज पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं नाम नहीं लेना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमर्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है कोई साइंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है कुछ कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पेस के पास ऐसा क्या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है या क्या ऐसी यूनिक चीज़ है जो बाकियों से आपको डिस्टिंग्विश कर दिए देखिए पेस के पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी और कॉलेज के पास नहीं हैं नंबर वन इफ वी आर एम्पावरिंग द स्टूडेंट्स विद द टेक्निकल स्किल्स बिकॉज आगे आने वाले दौर में स्किल्स टू एकेडमिक्स का ट्रेड ऑफ पड़ता जा रहा है आई दा यू टॉक अबाउट द डिजिटल स्किल्स आई दा यू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स आई दू अबाउट दी अदर टेक्निकल स्किल्स दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज प्रेजेंट नंबर टू इज दैट कि वी follow religiously very strong industry linkages yeah. why to wait for the university life to get connected with the corporate sector the what why not we should connect these students at the time before the selection of the major careers right? इस टाइम पे अगर वो कनेक्ट हो जाएंगे तो वो जान सकेंगे वो करियर क्या ये नहीं होगा कि मामू ने बोला था साइंस कर लो पुपी ने बोला था कॉमर्स कर लो चाचू ने बोला था एक्चुअल साइंसेस कर लो ये चीज़ नहीं, नहीं होगी मतलब सेल्फ डिसीजन लेना बहुत जरूरी है जबरदस्त एक एक क्वेश्चन और लेते हैं ब्रेक से पहले आपने कहा कि स्टूडेंट को हम एम्पावर करते हैं स्किल की लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप यू अज्यूम करें मैं एक स्टूडेंट हूँ मैं आपकी कॉलेज के अंदर वॉक इन करता हूँ जो डिसीजन मेकर है वो मैं खुद नहीं हूँ

इज़ योर कस्टमर लाइक अदर कॉलेज नहीं दो चीज़ें हम मैं मेरे दो सवाल होते हैं हर बच्चे को जब वो आता है कॉलेज में एक तो ये कि अपने आप के साथ आखिरी दफ़ा कब बैठे थे सिटिंग विथ योर सेल्फ इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड नोइंग योर सेल्फ बिकॉज अल्लाह ने कहा है कि इंसान अशफल मखलूक़ है वह अनफॉर्चुनेटली हम भूल जाते हैं इस बात को हम नहीं बैठते दूसरी चीज ये हम उसकी लीडरशिप और विजनरी स्किल्स को जज करते हैं कोई कुछ भी है Double. उसके बेसिस पे बच्चे को जज करके बताया जाता है कि दिस इज एप्रोप्रिएट फील्ड यू शुड सेलेक्टेड प्रॉपर टेस्ट होते हैं इंटरव्यू होते हैं एंड देनली उसका एडमिशन का डिसमेशन सब आप रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हमने सुना है कि बिल्कुल कहते हैं <laughs> बिल्कुल कहते <laughs> <बिल्कुल करते laughs> <गया laughs> <गया गया laughs> हैं कुछ कुछ कॉलेज अगर किसी बच्चे को आना है और 90 परसेंट चाहिए लेकिन जिंदगी का वाय उसको नहीं पता और जिंदगी का वाई ही नहीं अचीव करना सिर्फ 90 परसेंट है देन आई

के पेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का। क्या है थैंक यू वेरी मच